रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। मैं कुमारी कंचन बर्नवाल, रांची वुमेन्स कॉलेज TRL डिपार्टमेंट से। आज मैं सेमेस्टर 4 के पाठ्यक्रम झारखंडी कानून में पेशा कानून में ग्राम सभा की शक्तियां और अधिकार के बारे में बता रही हूँ। पेशा कानून में ग्राम सभा की शक्तियां और अधिकार। पेशा कानून 1996 के मूल प्रावधानों के केंद्र में ग्राम सभा स्थित है। वन अधिकार कानून 2006 और सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों में ग्राम सभा की शक्तियों और अधिकारों को लेकर काफी विस्तार से चर्चा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ग्राम सभा की शक्तियों को आधार बनाकर आदिवासियों के पक्ष में निर्णय भी दिया है। उदाहरण के लिए मैं बता सकती हूँ, उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन बनाम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय एवं अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश देते हुए कहा कि पेशा कानून 1996 में गांव के संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम सभा को सक्षम माना गया है। इसलिए वेदांता कंपनी को नियमगिरी पहाड़ देना है कि नहीं, इसका फैसला सिर्फ ग्राम सभा ही कर सकता है। इसी तरह महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 5वीं अनुसूची क्षेत्र में अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करते हुए पेशा कानून 1996 की धारा 4M और 3 के आधार पर आदिवासियों की गैर कानूनी भूमि हस्तांतरण के संबंध में कलेक्टर की प्रशासनिक शक्ति को छीनकर ग्राम सभा के हवाले कर दिया। भूमि हस्तांतरण के संबंध में DC के जगह पे उनकी शक्ति को छीनकर ग्राम सभा को उसका अधिकार दे दिया गया। गांव के सभी मामलों में ग्राम सभा को शक्ति और अधिकार प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में गांव के सभी मामलों में ग्राम सभा को शक्ति और अधिकार प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम सभाओं के सशक्त हो जाने से आदिवासियों का अधिकार सुरक्षित हो जाएगा और इसलिए ग्राम सभा की शक्तियों और अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है, जो निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, लोगों की रूढ़ी एवं परंपरा तथा उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संपदाओं और विवादों को निपटाने की पारंपरिक विधि व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित करने की शक्ति ग्राम सभा को दी गई है। लोगों की पौराणिक परंपरा, उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनकी सामुदायिक संपदा, उनके विवादों के निपटाने की पारंपरिक या पौराणिक जो विधि व्यवस्था थी, उन्हीं को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए ये शक्ति ग्राम सभा को प्रदान की गई। दूसरा पॉइंट, गांव के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पंचायत द्वारा क्रियान्वयन से पहले ग्राम सभा का अनुमोदन जरूरी है। किसी भी कार्यक्रम, योजना, परियोजना को लेकर सबसे पहले शुरू करने से पहले ग्राम सभा का अनुमोदन लेना, आज्ञा लेना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, गांव में गरीबी उन्मूलन या अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभुकों की पहचान एवं चयन के लिए ग्राम सभा उत्तरदायी है। चौथा पॉइंट, गांव के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए पंचायत द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों
एवं परियोजनाओं से संबंधित खर्चों का उपयोगिता प्रमाण पत्र देने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। मतलब गांव में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए पंचायत द्वारा चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं, कार्यक्रम, परियोजनाएं से संबंधित खर्च या किसी भी तरह के प्रमाण पत्र, जितने भी चीज हैं आदि और भी चीज, सभी का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। पांचवा पॉइंट, अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण करने से पहले या ऐसी योजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास अथवा पुनर्स्थापना से पहले ग्राम सभा से परामर्श लेना अनिवार्य है। अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी तरह के आर्थिक या सामाजिक रूप से विकास के लिए जमीन लेने का अधिकार या जमीन लेने से पहले या स्थापित करने या वहाँ पे बसने से पहले ग्राम सभा का परामर्श लेना जरूरी है। छठा पॉइंट, आदिवासी इलाकों में जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगाने और किसी आदिवासी समुदाय के सदस्य का गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए उचित कार्रवाई करने की शक्ति ग्राम सभा को दी गई है। आदिवासी इलाकों में जमीन के हस्तांतरण, मतलब एक के पास से दूसरे के पास जमीन चले जाना, हस्तांतरण को पे रोक लगाने के लिए या किसी आदिवासी समुदाय के सदस्य का गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए उचित कार्रवाई करने की शक्ति भी ग्राम सभा को दी गई है। सातवां पॉइंट, अनुसूचित क्षेत्रों में छोटे जल स्रोतों की योजना निर्माण एवं प्रबंधन की जिम्मेवारी ग्राम सभा पर है। आठवां पॉइंट, अनुसूचित क्षेत्रों में छोटे खनिजों के दोहन के लिए अनुमति अथवा खनन पट्टा प्रदान करने से पहले ग्राम सभा की सिफारिश अनिवार्य है। अनुसूचित क्षेत्रों में छोटे खनिज लगाने से पहले अथवा खनन पट्टा करने से पहले ग्राम सभा की सिफारिश जरूरी है। नौवां पॉइंट, अनुसूचित क्षेत्रों में छोटे खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन पर रियायत देने के लिए ग्राम सभा की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है। दसवां पॉइंट, मादक पदार्थ की बिक्री एवं उपभोग को रोकने या नियंत्रित करने या पाबंदी लगाने की शक्ति ग्राम सभा के पास है। मादक मतलब नशीला पदार्थ की बिक्री, खरीदारी या उपयोग को रोकने के लिए या उस पर नियंत्रण करने के लिए, रोक लगाने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए शक्ति हो के लिए ग्राम सभा के पास शक्ति प्रदान की गई है। ग्यारहवां पॉइंट, ग्राम सभा के पास गांव के लघु वनोपज का स्वामित्व है। बारहवां, ग्राम सभा के पास गांव के बाजार का प्रबंध करने की शक्ति है, चाहे बाजार वो किसी के भी नाम से जाना जाता हो। तेरहवां पॉइंट, आदिवासियों को साहूकारों, सेठ साहूकारों द्वारा पैसे उधार देने के मामलों पर भी ग्राम सभा नियंत्रण लगा सकती है। चौदह पॉइंट, गांव में काम करने वाले सामाजिक संस्थानों एवं कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। गांव में काम करने वाले सामाजिक संस्थानों एवं कार्यकर्ताओं को भी रोक लगाने पर अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। पंद्रहवां पॉइंट, ग्राम सभा स्थानीय योजनाओं एवं संसाधनों पर नियंत्रण करेगा, जिसमें आदिवासी उपयोजना, जैसे इंग्लिश में जिसे ट्राइबल सब प्लान भी कहते हैं, आदिवासी उपयोजना इसमें सभी शामिल हैं।